आज तक अपने हर फाइटर को अपने जिगर का टुकड़ा माना है, अपना हिस्सा माना है, अपने परिवार का हिस्सा माना है। और ये माना ही नहीं, हमने हमेशा साबित भी किया है, जब जब हमारे परिवारों को कोई जरूरत पड़ी है, दिक्कत आई है, तो हम अपने परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। हमने लोगों को यूज नहीं किया, हमने लोगों को चूज किया है दोस्तों, और यूज हम आगे भी कभी नहीं करेंगे। ऐसा विचार, ऐसी सोच, ऐसी गंदगी मेरे दिमाग में आज तक नहीं आई। ना मुझे कुछ चाहिए, इतना पैसा दौलत नहीं चाहिए, बहुत है, परमात्मा ने दिया है, आगे भी देगा। मैं अपने टैलेंट का कमा के खाता हूँ, मैं एक काबिल आदमी हूँ, मैं कोई लोगों के दम पे नहीं जीता, अपने दम पे जीता हूँ। तो इसलिए मुझे पैसे से इतना प्यार नहीं है जितना लोगों से प्यार है, और एसएलपीएस के हर फाइटर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो दोस्तों, इसी बीच में आज एक घोषणा आपके लिए करने आया हूँ। आज हमारे परिवारों में बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और कभी कोई हादसा हो जाता है और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये जीवन का एक नियम है, कोई चला जाता है तो उसके साथ सब जा नहीं सकते। अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं मरेगी, बच्चे नहीं मरेंगे, वो भी जिएंगे, मेरे माँ बाप भी नहीं मरेंगे, वो भी जिएंगे। तो जीते तो हम लोग हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा रह जाती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई फाइटर आया था, कोई योद्धा था, वो भी लड़ा था, वो लड़ा था बेकारी से, मजबूरी से लड़ाई, तो वो भी लड़ा था, साबित करना चाहता था अपने परिवार में कुछ ना कुछ, लेकिन वो चला ही गया दुनिया से, तो क्या साबित करता। अब उसकी लड़ाई जारी रखनी है, और जो लड़ाई उसने लड़ी थी, वो इस दुनिया से चला जाए, ऊपर से बैठ के देखे तो उसे लगना चाहिए कि जिन लोगों के साथ तूने लड़ाई लड़ी थी, वो साले बुजदिल नहीं थे, वो गद्दार नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे, कि जब तक तू इनकी कंपनी में काम करता रहा, इन्हें कमा के देता रहा, लोग जोड़ता रहा, तब तक तो तेरे को हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, और जब दुनिया से चला गया तो साला किसी ने पूछा भी नहीं कि इसके परिवार में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप अमराल्ड बन जाते हो, अपना अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। अमराल्ड एंड अबव सभी लोग अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। मैं कितनी मर्जी हेल्प कर लूं, लेकिन बीमा कंपनी वाली हेल्प में नहीं दे सकता आपको। हर व्यक्ति अपना टर्म इंश्योरेंस कराए, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यार जीवन है, पता नहीं कब कौन चला जाएगा, बातें ही रह जाएंगे, यादें ही रह जाएंगे। तो आज हमारी कंपनी कुछ घोषणा करने जा रही है। आज हमारे बीच से दो व्यक्ति गए, हमारे अमराल्ड रूबी स्टार रमाशंकर मिश्रा जी दुनिया छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। इसके परिवार के प्रति हम बहुत संवेदना वगैरह व्यक्त करते हैं, और जो हमसे बनेगा हम उनके लिए करेंगे। और गणपत मीना जी जो हमारे ब्लू डायमंड थे, बड़े प्यारे थे, मेरे से बहुत बहुत सीधे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी चले गए। लेकिन ये हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे, कुछ ऐसा आज मैं लेके आया हूँ, हमेशा हम इनके लिए कुछ करते रहेंगे, कुछ ऐसी घोषणा आज मैं करने जा रहा हूँ, अमराल्ड से ब्लू डायमंड तक। दोस्तों, आज के बाद अमराल्ड टू ब्लू डायमंड, अगर कोई भी व्यक्ति हमारा इस दुनिया से चला गया, तो कंपनी उसके परिवार को एक मदद देगी, और लीडर्स मिलकर मदद देंगे। सबसे पहली मदद, अमराल्ड रैंक अगर हमारी कंपनी में किसी ने कर लिया, और वो एक्टिव अमराल्ड था, हमारे ही साथ था, किसी दूसरी कंपनी में नहीं था, कहीं गया नहीं था, और एक्टिव था, चेक नहीं बना एक महीने से फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक्टिव था, हमारा था, हमारा बच्चा था, हमारे लिए था, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक योद्धा की तरह लड़ रहा था, इस बीच में भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, तो उसके जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का 12वीं तक का जिम्मा एसएलपीएस वेलनेस लेगी, एसएलपीएस वेलनेस फाउंडेशन ये जिम्मा लेगी। ये जिम्मेदारी आज के बाद हम लोग लेंगे, उसके बच्चों को 12वीं तक हम पढ़ाएंगे, उनको एक फीस हम 12वीं तक उसके परिवार को देंगे, एक निश्चित अमाउंट, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, और जीवन भर 12वीं क्लास तक अगर हमारे अमराल्ड एंड ब्लू डायमंड तक कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़ के, हमें छोड़ के, हमारे परिवार को छोड़ के जाएगा, तो हमारी फाउंडेशन उसको 12वीं क्लास तक उसके बच्चों को पढ़ाएगी, चाहे दो बच्चे हो, चाहे चार बच्चे हो, चाहे कितने बच्चे हो। दोस्तों, हम क्या कर सकते, यही कर सकते, हम उसे वापस नहीं ला सकते, वो तो चला गया, यादों में जिंदा है, वापिस थोड़ी ले पाएंगे। कम से कम उसकी आत्मा जब ऊपर से देखे, वो हमसे बात करे ऊपर से, तो ये तो कहे हाँ सर, आप लोगों के साथ जीवन के कुछ महीने ही लगाए थे, आज आपने इतना किया, और हमें मतलब दुआएं दे दे, और तो वो बेचारा क्या देगा, वो चला ही गया, अब क्या देगा। दूसरा, ये इसका नाम है AWPL फाइटर चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड।
इस स्कीम के माध्यम से हमारी फाउंडेशन उनके बच्चों को जीवन भर पढ़ाएगी 12वीं क्लास तक, अमराल्ट से ब्लू डायमंड। ये हमने क्यों रखा है अमराल्ट टू ब्लू डायमंड, क्योंकि अमराल्ट तक पहुंचते पहुंचते उसने साबित कर दिया मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, और ब्लू डायमंड तक ही दिक्कत है। ब्लू के बाद अगर कोई ब्लैक और रॉयल पे जाएगा तो उसके लिए तो हम वैसे बहुत कुछ कर लेंगे और उसकी टीम बहुत बड़ी होगी, वो तो ऑलरेडी कैपिंग पे होगा। ये योजना अमराल्ट से ब्लू डायमंड तक के लोगों के लिए है। नेक्स्ट नेक्स्ट योजना है AWPL फाइटर परिवार सुरक्षा योजना। अगर हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अमराल्ट से ब्लू डायमंड तक, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, तो फाउंडेशन और हमारे डायमंड एंड अबव लीडर मिलकर अमराल्ट को 1,00,000 रुपए का उसके परिवार को एक चेक दे के आएंगे। अगर कोई टोपाज रैंक पे गया तो दोस्तों 2,00,000 का दे के आएंगे, और अगर कोई रूबी स्टार पे गया तो उसको 3,00,000 का चेक दे के आएंगे, कोई सफायर पे गया तो 4,00,000 का चेक दे के आएंगे, कोई स्टार सफायर पे गया तो जितना उसने रैंक इनकम ली थी 8,20,000 उसकी रैंक इनकम दोबारा देंगे, कोई डायमंड पे गया उसकी 12,40,000 जो रैंक इनकम ली थी उसे दोबारा देंगे, और अगर कोई ब्लू डायमंड पे गया तो उसने जो 22,00,000 की इनकम ली थी उसे दोबारा देंगे। ये रहेगी AWPL फाइटर परिवार सुरक्षा योजना के नाम से। मेरे भाई ये कुछ नहीं है, इंसान वापस नहीं ला सकते, साला दौलत की कोई औकात नहीं है, पर हाँ एक परिवार को कोई सहारा मिले, उस परिवार को लगे कि मेरा बेटा एक छोटा सा रैंक लिया अमराल्ड, तो इनके उन्होंने पूरी जीवन उसके बच्चे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया, और 1,00,000 रुपए की एक छोटी सी मदद भी, एक उस समय पे वो मदद बहुत बड़ी होती है जिस समय किसी परिवार का कोई छोड़ के आता है, उसने की है। अब इसमें लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कहेंगे संजीव कुमार लालच दे रहा है, संजीव कुमार ये कर रहा है, संजीव कुमार जो करता है ठोक के करता है, दिल से करता है, आत्मा से करता है, यहां से करता है, मेरा परिवार है, मेरे फाइटर हैं, इनके लिए लड़ भी सकता हूं, इनके लिए मार भी सकता हूं, और इनके लिए मर भी सकता हूं, पैसे की तो औकात ही कुछ नहीं है। दोस्तों यहां कुछ दिखावा नहीं है, असली पैसे की सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जो आज उजागर हो रही है, ये वो सच्चाई है जिसे आज लोग देख रहे हैं, ये वो सच्चाई है जिसको लोग गालियां देते थे जब साला उनके बंदे हमारी कंपनी में आते थे, कुत्ता बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, उन्हें कुत्ता बना के रख दिया आज, कुत्ता बना के। ये वो असली पैसे, सच्चाई की जीत होती है मेरे दोस्तों, आज हमारी जीत हुई है, हिल गए सब ना, मैं कहता था सच जीतेगा। और ये जो योजना है ये यहां से है, दिल से, दिमाग से नहीं है। क्या करना है पैसे का, सब यहीं छोड़ जाना है, आप लोगों के लिए कमाएंगे, आप लोगों के लिए कमाएंगे। आई लव यू, थैंक यू सो मच।